नमस्कार दोस्तों, फ्रीबर्ड ट्रैवल्स में आप सभी का स्वागत है। नासिक में तो बहुत ही खास दिन बिताने के बाद अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। रास्ते में कुछ भाई लोग मिले जिनके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ कि महाराष्ट्र में आगे कहां कहां जाया जा सकता है और इवन नासिक में मैंने कौन कौन से जगह मिस कर दिए। तो निकलता हूँ मैं, चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप अगर इंडिया के वाइन कैपिटल कहे जाने वाले नासिक में हैं तो सूला विनियर्ड्स को बिल्कुल ही मिस ना करें। नासिक के नॉर्थ में 60 किलोमीटर दूर स्थित है 51 शक्तिपीठों में से एक सप्तशृंगी मंदिर, और आज ये किसी वजह से बंद है। नासिक से भीमाशंकर का डिस्टेंस है लगभग 210 किलोमीटर, और आज मैं संगमनेर और कलम जैसे जगह होकर जाने वाला हूँ। कायदे से मुझे 5 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए, पर रास्ता अगर इतना सुंदर हो तो वक्त की क्या ही परवाह करें। 140 किलोमीटर आने के बाद हम पहुंच गए हैं कलम। यहां से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे पुणे, जिसका डिस्टेंस है यहां से 70 किलोमीटर, लेकिन भीमाशंकर के लिए हमें यहां से राइट हैंड साइड मुड़ना पड़ेगा। यहां से आपको एक नैरो रोड मिलेगा और कुछ ही दूर आने के बाद एक सुंदर सा डैम दिखेगा जिसका नाम है डिम्भे डैम। तो भीमाशंकर के रास्ते आपको कुछ देखने को मिल सकता है ऐसा, मस्त लग रहा है ना। इसके बाद ही शुरू हो जाती है चढ़ाई और रूट काफी सीनिक होने लगता है, जो कि मैं लौटते वक्त दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहुंच गया भीमाशंकर और रात के 8 बज गए और मैं पहुंच गया अपने होटल, और मैंने इस बार बुकिंग किया है MTTC भीमाशंकर में। तो होटल काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और रूम आप खुद ही देख लीजिए। इधर एक बालकनी भी है, बहुत ही स्पेशियस लग रहा है। और हाँ, एंट्रांस और रिसेप्शन काउंटर, तो एक गवर्नमेंट वाला चार्म नज़र आ रहा है, आप समझ जाए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, सब कुछ तो ठीक है, मगर एक दिक्कत है, यहाँ पे किसी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और मेरे पास ज़्यादा कैश भी नहीं है, 100-150 पड़े होंगे। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरे पास कैश नहीं है और खाने पीने में दिक्कत हो सकती है, तो मैंने पता किया तो पता चला कि ATM जो है भीमाशंकर टेंपल के कैंपस में है, स्टेट बैंक का एक ATM है। और अच्छी बात यह है कि कैश वहाँ पे था, और विदड्रॉ किया और मैंने डिनर भी किया और फिर आया होटल वापस। ये जो MTTC भीमाशंकर है ये 10 किलोमीटर पहले आता है, मंदिर से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है ये, तो 10 किलोमीटर मुझे जाना पड़ा ATM के लिए, इसी बहाने भगवान जी का दर्शन भी हो गया। दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है और रात को बहुत ठंड लगी। हम अभी हैं सह्याद्री माउंटेन रेंज में, और इसी माउंटेन रेंज के भोरगिरी नाम के गांव में स्थित है भीमाशंकर मंदिर, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सी लेवल से 3500 फीट ऊपर स्थित भीमाशंकर से ही भीमा नदी की उत्पत्ति हुई है, जो कि पंढरपुर में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित होने के बाद इस जगह की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। इस जगह की खूबसूरती बस टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि फोटोग्राफर्स, ट्रैकर्स और हाइकर्स को भी अपनी ओर खींच लाती है। हम अभी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आपको ऐसे 200 से 250 सीढ़ियां उतर के मंदिर तक जाना होता है, जो कि उतना मुश्किल नहीं होता। आप पालकी वाली सर्विस भी ले सकते हैं जिसका रेट आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। कुंभकर्ण का पुत्र भीमा अपनी माता कर्कटी के साथ सह्याद्री के डाकिनी नाम के जगह पर रहा करता था। अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब वो अत्यधिक ताकत की वजह से अहंकारी हो चुका था। यहाँ तक उसने भगवान शिव के परम भक्त कामरूपेश्वर को उनके बजाय खुद को पूजा करने को कह दिया था। भीमा के अत्याचार से अतिष्ट होकर जब ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की, तभी उन्हें आविर्भाव होके भीमा का विनाश करना पड़ा। तभी से भगवान शिव भीमाशंकर के रूप में सह्याद्री पर्वतमाला में पूजे जाते हैं और इसकी रक्षा करते हैं।
इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, जबकि सभा मंडप को 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस के द्वारा बनाया गया था। नगर स्टाइल में बनाए गए इस मंदिर में पहले अर्धमंडप है, जिसके नीचे गर्भगृह होता है। मुझे दर्शन करने में 10 मिनट का समय भी नहीं लगा, इससे आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास और बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि कलमजा, मोक्षकुंड तीर्थ और कुशारण्य तीर्थ, जहां से भीमा नदी की उत्पत्ति हुई है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।